everyone, welcome or welcome back to the channel. If you are watching me for the very first time, hi, my name is Mamta and here on YouTube, I make videos related to fashion, beauty, lifestyle, skincare, haircare, DIY and many more. So, if you are interested in this content or content, then subscribe to the channel, don't forget to subscribe and hit the subscribe button, it's completely free. है. So, yaar, ये 5 रुपए की चीज आपके एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, टैनी बम्स को ऐसे गायब कर देगी कि आप शॉक हो जाओगे कि कैसे इसने एक ही रात में आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इस चीज को यूज किए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए हैं एंड रिजल्ट इज जस्ट वाओ। आपको इसे यूज भी करना इतना ज्यादा ईजी है कि आप सोचोगे कि भाई इतना ज्यादा ईजी, एट द सेम टाइम आपको एक्ने से छुटकारा मिल जाएगा। इसको लगाने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो इसकी जो प्राइस है वो 5 to 20 rupees, कोई भी आपको कोई भी मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्यूब फॉर्म में भी आता है एंड नॉर्मली आपको किसी लाइक स्टोन के फॉर्म में भी मिल जाता है। आपको कोई भी एलम लेना है एंड इसे यूज़ करना है। गाइस, एलम यानी कि फिटकरी को नॉर्मली जब कट्स हो जाते हैं तब यूज़ करते हैं, लेकिन इस बेबी को हम अपने पिम्पल्स एक्ने पर काम कराएंगे, क्योंकि इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण, जो आपके एक्ने एंड एक्ने की कॉजिंग बैक्टीरिया को किल आउट करने में बहुत अमेजिंग हेल्प करता है। एंड बेस्ट पार्ट बताओ इसकी क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सूट्स एवरी स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप जो भी है ना, आपको बहुत परफेक्टली सूट करेगा। चाहे एक्ने हो, आपको एक्ने ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन हो, दिस बेबी विल डेफिनेटली वर्क एंड आपको एक्ने से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो फिर इसे हफ्ते यूज करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो अब देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है एट द सेम टाइम उसका रिजल्ट। सो यार, जैसे कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो मेरे को थोड़े बहुत एक्ने हो रखे, तो हम इसे फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 इज क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग के लिए आप अपना नॉर्मल फेस वॉश या DIY फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल फेस वॉश यूज कर रही हूँ बाय क्लीन एंड क्लियर का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से कर लेना है वेट एंड देन इस फेस वॉश को यूज़ करना है। टॉकिंग अबाउट दिस फेस वॉश रियली हेल्प्स इन क्लिनजिंग योर डर्ट, इम्प्यूरिटीज एंड आपके एक्ने एंड ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 60 सेकेंड्स तक अच्छे से क्लींस करने के बाद आपको अपने फेस को कर लेना है वॉश यूजिंग प्लेन वाटर। ठीक है, वॉश करने के बाद आपको अपने फेस को कर लेना है पैड ड्राई एंड स्टेप 2 इज यूजिंग एलम। तो एलम को यूज़ करने से पहले आपको उसे अच्छे से कर लेना है वॉश। तो यहाँ पे मैंने एक मग में पानी लिया है एंड उसे डिप करके उसे अच्छे से कर लिया वॉश। तो यूज़ करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से कर लेना है वेट एंड वेट फेस पे ही आपको इस एलम को यूज़ करना है। ये एलम आपके एक्ने को कंट्रोल करेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने मार्क्स को भी बहुत हद तक लाइट आउट करता है। एट द सेम टाइम ये आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बेस्ट माना जाता है। 5 मिनट्स अच्छे से क्लींस करने के बाद इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है फॉर 20 मिनट्स, लेकिन उससे पहले आपको अपने एलम को फिर से वॉश करके छोड़ना है, वरना जो डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज एक्युमुलेट थी वो हमें नहीं चाहिए। एंड देन इसे 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ना है। 20 मिनट्स बाद आपके फेस बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड खींची खींची फील होगी, तब आपको इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद रिजल्ट आपको एक ही बार में मिल जाता है। एंड स्टेप 3 इज़ यूजिंग मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पर मैं जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ वो है बाय मामा अर्थ। तो यहाँ पर मैं ऑयल फ्री एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ एंड इस मॉइस्चराइजर को आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड देन दैट्स इट। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी स्किन बहुत हद तक ड्राई हो जाएगी ड्यू टू एलम। तो मॉइस्चराइजर करना है एंड यू आर ऑल डन। ऐसे ही आपको डेली यूज़ करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। गाइस, देखा आपने कि इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा ईजी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये वाला एलम नहीं है, दैट इज़ क्यूब फॉर्म में एलम नहीं है, और आपके पास नॉर्मल वाला है, तो आपको उसके लिए भी कुछ नहीं करना। आपको 1 टेबल स्पून ऑफ एलम लेना है एंड उसे 1 ग्लास ऑफ पानी में डिजोल्व करना है एंड देन उसे कॉटन की हेल्प से अप्लाई करना है। 10 मिनट्स अप्लाई करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है एंड देन वॉश कर लेना है यूजिंग अ नॉर्मल वॉटर एंड देन आपको अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना है। देखो, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन हल्की सी ड्राई होगी, तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रिकवर दैट हाइड्रेशन। ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है एंड अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो लेट मी इन कमेंट सेक्शन एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड 1 थिंग मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, दैट इज़ नोट बोल सकते कि जब भी आप इसे यूज़ करो, लाइक एक अभी यूज़ किया मैंने इस फॉर एग्जांपल, तो आपको इसे 1 बार पानी से निकालना है यानी कि वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो बैक्टीरियाज है वो जमा ना हो, इसलिए आपको 1 बार पानी से निकालना है एंड यू आर ऑल डन। आपका फिटकरी फिर से यूज़ करने के लिए परफेक्टली रेडी है।
अगर आप इसे डेली यूज करोगे फॉर 1 month और 15 days, आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है कि यू गाइस विल बी शॉक्ड। गाइस इसे डेफिनेट ट्राई करना, अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। सो गाइस आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।